तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। क्या जेएनयू का नाम बदलकर अब स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी होगा? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की मांग का एबीवीपी ने नहीं किया समर्थन, लेकिन बीजेपी ने जेएनयू का नाम बदलने की मांग की है। बीजेपी महासचिव सीटी रवि ने जेएनयू का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी करने की मांग कही। जेएनयू के नाम पर आरजेडी और कांग्रेस का बीजेपी पर हमला होता दिखाई दे रहा है। शिवम, जो एबीवीपी के प्रेसिडेंट है, उनका कहना है कि यह एक कंट्रोवर्सी है। 2019 में बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने भी जेएनयू का नाम बदलने की मांग की थी। शिवम का कहना है कि सिर्फ स्वामी विवेकानंद की मूर्ति कैंपस में स्थापित हो, ऐसा ही उनका उद्देश्य था। लेकिन बीजेपी के महासचिव का कहना है कि जेएनयू का नाम बदल देना चाहिए। वहीं एबीवीपी ने इसका पूरी तरह से विरोध किया है। उनका कहना है कि भारत की टॉप यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर कुछ और कर दे, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। बीजेपी का जो स्टैंड है वो स्टैंड करेंगे, लेकिन एबीवीपी ने इसका समर्थन नहीं किया है। शिवम का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो अब इसको मुद्दा बनाकर शामिल करना चाहते हैं, रणनीति करना चाहते हैं। एबीवीपी ने इस बात की शुरुआत भी नहीं की और न ही इस बात से उनका ताल्लुक है कि जेएनयू का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद किया जाए। शिवम, ये जो अब नई कंट्रोवर्सी एक आई है कि जेएनयू का नाम बदलकर विवेकानंद यूनिवर्सिटी कर देना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? पहली बात, मैं इसको कंट्रोवर्सी जो लोग क्रिएट करना चाहते हैं उनको एक मैसेज देना चाहूंगा कि ये विवेकानंद यूनिवर्सिटी का नाम कहीं से भी हम लोगों को एबीवीपी की तरफ से कहीं से भी प्रपोज नहीं है। ये हम लोग हमारा उद्देश्य एक ही था कि विवेकानंद की मूर्ति इस कैंपस में स्थापित हो। वो जो कि हो गई है, हमारे लंबे संघर्ष का परिणाम है। विवेकानंद की मूर्ति आज कैंपस में, उसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हो चुका है। और विवेकानंद के विचारों से, विवेकानंद के आइडिया से लोग अवगत हो रहे हैं, उनके बारे में लोग सोच रहे हैं, रिसर्च करेंगे आगे से, अब उसके बारे में लोग पढ़ेंगे। और हमारा जो हमारा उद्देश्य भी था कि भारत के टॉप यूनिवर्सिटी से विवेकानंद के विचार को प्रसारित किया जाए। चलिए, विचार तो प्रसारित हो जाएंगे जैसे कि आप कह रहे हैं, लेकिन अगर ये बात सामने आती है जिस तरीके से अभी बीजेपी के ही महासचिव ये बात कर रहे हैं कि नाम बदल देना चाहिए, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नाम बदलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये तो मतलब हम नहीं चाहते कि किसी यूनिवर्सिटी का नाम जो पहले से ही मतलब जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, उसका नाम बदलने में कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। अब बीजेपी का अपना स्टैंड हो सकता है, वो बीजेपी वाले ही रिस्पॉन्ड करेंगे बीजेपी का क्या अपना स्टैंड है, लेकिन एबीवीपी की तरफ से कोई इस तरह का प्रपोजल, इस तरह का डिमांड हमारी तरफ से नहीं है। हमारी जो मांग थी हमारी पूरी हो गई, विवेकानंद की स्टैचू कैंपस में स्थापित हो गई, बस हमारी इतनी सी डिमांड है। और जो लोग राजनीति, विपक्ष के लोगों को, उनको उनके पास कोई मुद्दा नहीं है विवेकानंद के नाम पे कंट्रोवर्सी करना है, उनको इसलिए मुद्दे को तूल देना है उनको। तो अगर ये मामला बढ़ता है और ये बात सामने आती है तो एबीवीपी का स्टैंड क्या रहेगा? विरोध करेंगे आप या क्या रहेगा आप लोग? बिल्कुल नहीं, हमारा स्टैंड एक ही है, विवेकानंद के विचारों से लोग अवगत हो, विवेकानंद के विचार जो है प्रसारित हो, पूरे भारत के विद्यार्थी की जो समुदाय, छात्र समुदाय, उससे अवगत हो। और विवेकानंद हमारे आइकन है विश्व में, जिस तरह से विवेकानंद ने भारत वर्ष के भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, उसके बारे में लोग जाने, बस हमारा इतना सा ही है। अच्छा, इस आइकन का नाम अगर यूनिवर्सिटी का नाम हो जाएगा तो उसका विरोध करेगी एबीवीपी? अगर जेएनयू का नाम बदल कर ये बात सामने आई कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि विरोध और उसका हमारा कोई नाम चेंजिंग के लेकर हमारा कोई स्टैंड है ही नहीं। हमारा एक ही स्टैंड है कि विवेकानंद की स्टैचू हमारे लिए आदर्श का विषय है, हमारे लिए एक आइकन इस कैंपस में हो गया है। हम चाहते हैं कि विवेकानंद के विचारों से लोग अवगत हों और विचार, यानी कि एबीवीपी ने कहीं भी ये बात नहीं कही अपने उच्च स्तरीय लोगों को, नहीं कह रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हो। ये तो ये एबीवीपी के जेएनयू यूनिट के प्रेसिडेंट है जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि एबीवीपी ने कभी भी इस बात ही की, राशिद अलवी जैसे लोग कह रहे हैं, नेता जो है वो कह रहे हैं कि जेएनयू को बदनाम करती है बीजेपी, इस तरीके के बयान देखिए। नहीं, हमें लगता है कि राशिद अलवी जैसे लोग जो स्टूडियो में बैठे हैं ये बदनाम करना चाहते हैं। इनके नेता तुरंत कैंपस पहुंचते हैं, प्रियंका गांधी एम्स पहुंचती हैं और सारे लोग जेएनयू कैंपस आते हैं। इनके पास देश में कुछ बचा ही नहीं है जेएनयू के अलावा। जेएनयू को मतलब लॉन्चिंग पॉइंट जैसे यहाँ के कम्युनिस्ट यूज करते हैं, उसे कांग्रेस भी यूज कर रही है यहाँ लॉन्चिंग पॉइंट की तरह। अभी आज की डेट में इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। विवेकानंद को स्टैचू कैंपस में लग रहा है इनके लिए बहुत ही बड़ा, बहुत ही रोड़ा बन गया है। उन्हें चाहते कि विवेकानंद के विचार को लोग जाने, उससे अवगत हो, बस नेहरू में पड़े रहना। नेहरू ठीक है, नेहरू को भी जाने, लेकिन विवेकानंद को जानना बहुत अति आवश्यक है। शिवम साफ तौर पे ये कह रहे हैं अर्पिता कि लॉन्चिंग पैड है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जेएनयू।